नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज आपके सामने मैथ्स का एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम इसके लैंग्वेज को नहीं समझते हैं तो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जो वोटर वाला जो आता है प्रश्न है। ठीक है, दो उम्मीदवार होते हैं, एक उम्मीदवार को इतना परसेंट वोट मिलता है, दूसरे उम्मीदवार को इतना परसेंट वोट मिलता है, इतना परसेंट इनवैलिड हो जाता है। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हमको इस तरह के प्रश्न को कैसे हमको बाइफरकेट करना है, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कैसे हमको ये बाइफरकेट करके पढ़ना है ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक है, और विद इन 10 सेकंड हम ये सब क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चुनाव में सिर्फ दो मतदाता सॉरी दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही उम्मीदवार हैं, भाग लेते हैं। अंकित मतदाता का 41% वोट नहीं देते हैं। ठीक है, जो रजिस्टर्ड मतदाता है यानी कि जितने रजिस्टर्ड मतदाता है उसके 41% वोट नहीं देते, तो कितने वोट दे रहे हैं? 59% वोट दे रहे हैं। ठीक है, जो रजिस्टर्ड है उसके 59% वोट दे रहे हैं और 220 वोट अमान्य घोषित कर देते हैं। मतलब जितना दिया, ठीक है, जितना दिया उसमें से 220 वोट इनवैलिड कर दिए। ठीक है, जितना दिया उसमें से 220 वोट खत्म कर दिया गया। ठीक है, ए 955 वोट से विजय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो ए है ये बंदा वो 955 वोट से जीत जाता है। तो जो 955 वोट से जीतता है वो बी से जीतता होगा। ठीक है, तो जीतता होगा तो कौन से वोट से जीतता होगा? जो वैलिड वोट होंगे, जो पहले तो जितना दिया, ठीक है, उसमें से 220 माइनस हो गया, उतना ही बचा, तो उतना ही में से कंपटीशन हो रही है। सपोज 100 वोटर हैं, रजिस्टर्ड वोटर हैं, 40 ने मतदान नहीं दिया तो 60 बचे, तो 60 में से सपोज 20 इनवैलिड कर दिया गया। ठीक है, तो 40 बचे, तो 40 में से ही कंपटीशन हो रहा है ना। मतलब कि एक को अगर 22 मिलेगा तो एक को 18 मिलेगा। ठीक है, तो ये 40 में आ गया, तो वही कह रहा है कि एक को 955 वोट से विजयी प्राप्त होता है। ठीक है, एक को 255 वोट से विजयी प्राप्त होता है। विजेता को मान्य वोट, ठीक है, विजेता को मान्य वोट कुल अंकित वोट का 37% है। जो विजेता का मान्य वोट है वो कितना है? कुल वोट, कुल अंकित यानी जितना भी रजिस्टर्ड वोट था उसका 37% प्राप्त होता है। ठीक है, विजेता को जो वैलिड वोट है वो कितना होता है? वो कुल अंकित वोट का 37% होता है। ठीक है, तो कुल कितना अंकित वोटर वोट दिए, मतलब कितने रजिस्टर्ड वोटर थे जो वोट दिए। ठीक है, तो हम प्रश्न को शुरू करते हैं। सपोज 100% रजिस्टर्ड वोटर थे, 100% थे। ठीक है, 100% क्या थे? रजिस्टर्ड वोटर थे। उसमें से क्या है कि 41% तो वोट ही नहीं दिए, तो बचे कितने? 59%। 59% अब यहाँ से नीचे आए तो 59% बच गए। अब क्या है कि उसमें से जी क्या कह रहा है कि जो 59% वोट दिए उसमें से किधर गया? 220 वोट अमान्य घोषित हो गए। ठीक है, तो ये जो वोट पड़ा उसमें से 220 माइनस कर देंगे क्योंकि 220 तो हट गए, यानी कि उसको अमान्य घोषित कर दिया। तो 59% माइनस 220, आप कहेंगे कि 59 माइनस 220 क्यों नहीं लिखे? तो ये परसेंट है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो हम परसेंट को एग्जैक्ट वैल्यू से घटा सकते हैं लेकिन परसेंट को 59 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज लिखा है। ठीक है, तो 59% बचे, उसमें से 220 घट गए, तो ये क्या हो गया? ये टोटल वैलिड वोट है, यानी कि जितने पड़े इतने पड़े उसमें से 220 तो घट गया, तो इतना वैलिड वोट है। ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट इतना है। ठीक है, अब क्या कहता है कि ए को, ठीक है, जो विजेता है, ठीक है, सॉरी जो विजेता है उसको कितना वोट मिला? उसका जो विजेता को मान्य वोट कितने थे? विजेता को मान्य वोट कितने थे? कुल अंकित वोट का 37%। कुल अंकित वोट 100% है, कुल अंकित वोट 100% है, उसका 37% क्या होगा? 37% ये होगा। और ये किसको मिला है? विजेता को मिला है। और ये विजेता का क्या मान्य वोट है? ये विजेता है, विजेता को मिला है 37%। और ये 37% क्या है? मान्य वोट है एक विजेता का। ठीक है, तो टोटल ये टोटल है और ये कितने किसका है? विजेता का है। तो जो हारा कितना होगा? उसका मान्य वोट कितना होगा? जो टोटल मान्य वोट ये है, विजेता का मान्य वोट ये है, तो जो हारा उसका मान्य वोट क्या होगा? इतना माइनस इतना होगा, इतना माइनस इतना ही होगा ना। ये टोटल है और ये विजेता का, तो जो हारा उसका कितना हो जाएगा? इतना माइनस इतना, 59% माइनस
220 माइनस 37%, ये क्या आ गया, ये आ जाएगा 22% माइनस 220%, आप नहीं भूलेंगे लिखना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इतना किसको मिला, ये हारने वाले को मिला, हारने वाले को, ठीक है, ये जो वोट मिला वो हारने वाले को मिला। और क्या किया रहा है कि ये 955 वोट से विजयी हो गया, ठीक है। तो ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है, एक बंदे का ये वैलिड वोट है, एक बंदे का ये वैलिड वोट है, तो इन्हीं दोनों का अंतर है, वैलिड वोट का ही अंतर होगा ना, विजयी, ठीक है। तो ये विजेता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इतना माइनस इतना इक्वल टू 955, यानी कि 37% माइनस 22% माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 220 कितना हो गया, इतना माइनस इतना कितना दे रखा है 955, यानी कि 955, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 15% इसको उधर देंगे तो क्या हो जाएगा 537, ठीक है, 735, ठीक है, यानी कि 15% का वैल्यू कितना आ गया 735, ठीक है। हमको पूछ क्या रहा है कि तो कुल कितना अंकित वोटर वोट दिए, कुल कितना अंकित वोटर यानी कि रजिस्टर्ड वोटर थे, कितने रजिस्टर्ड वोटर थे 100% थे, उसमें से कुल कितना अंकित वोटर वोट दिए, वोट कितने दिए 59, तो वही पूछ रहा है कि कितने वोट दिए, ठीक है, अंकित वोटर का कितने वोट दिए 59%, तो एक्चुअली हमको 59% लाना है, तो 15% का वैल्यू इतना आ गया, तो 1% क्या हो जाएगा 735/15 × अगर 7 कितना लाना है 59, ठीक है, तो 15 × 64 15 × 35 से यानी कि 49, और 49 × 59 करेंगे यानी कि 49 × 60 − 1, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, 49 को हम 60 − 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 आप यहाँ पे 256 4 5 24 5 29 ठीक है, माइनस 49 करेंगे तो ये आ जाएगा, इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी एक परसेंटेज बेस पे ही प्रॉब्लम है, कह रहा है यदि आयकर 19% से बढ़ जाता है तो कुल आय 6% से कम जाता है, ठीक है। ऑब्वियस है कि अगर सरकार टैक्स बढ़ा देगा तो जो नेट इनकम आपके घर में आता है वो कम जाएगी, आपके सैलरी से जो टैक्स है वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, अगर सरकार के द्वारा बढ़ा दिया जाए तो आपके घर में जो नेट इनकम है वो कम जाएगी। तो वही कह रहा है यदि आयकर यानी कि इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है तो नेट इनकम, ठीक है, तो नेट इनकम क्या हो जाता है 6% कम जाता है, यानी कि अगर टैक्स बढ़ा दिया जाता है 19% तो नेट इनकम 6% कम जाता है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे, एक ट्रिक भी है और एक लॉजिक भी है, तो पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक से कैसे हम इसको बनाएंगे, जितना परसेंट कम जाता है, ठीक है, यानी कि कुल आय का, कुल आय में जितना परसेंट कमता है उसको ऊपर लिखेंगे, कुल आय में कितना परसेंट कम गया 6% कम गया, और अपॉन लिखेंगे कुल आय में कितना परसेंट कम गया 6% कम गया, प्लस आयकर में कितना बढ़ोतरी हुआ यानी कि टैक्स में कितना बढ़ोतरी हुआ 19%, ठीक है। इसको हम परसेंटेज पूछ रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारा आ जाएगा कि आयकर कितना था यानी कि टैक्स का रेट कितना था, तो 6/25 × 100 यानी कि 4 यानी कि 24, ये कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसका इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको लॉजिकली कैसे सॉल्व करेंगे, हमको तो ये है, ठीक है, हमने बोला आपने मान लिया, लेकिन आप जब तक रीजन नहीं जान पाएंगे तो चीज़ों को आसानी से नहीं ग्रैप करेंगे, ठीक है। तो हम इसका रीजन जानते हैं कि कैसे ये आता है, एक्चुअली इनकम सपोज आई होगा शुरू में, ठीक है, नेट इनकम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम की बात कर रहा हूँ, अभी टैक्स उस पर नहीं कटा है, आई था, ठीक है, टैक्स सपोज आर होगा, तो जब टैक्स कट जाएगा तब नेट इनकम कितना बचा, तो आई था पहले, तो आर टैक्स सपोज रेट कितना था आर था, तो 100 माइनस आर अपॉन
100 कर सकते हैं। ये आप नेट इनकम हो गया, जब टैक्स कट गया 8% टैक्स कट गया तो नेट इनकम इतना बच गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो नेट इनकम है उसमें भी 6% की कमी हो गई दूसरे कंडीशन में, जब रेट बढ़ा दिया गया, टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया। तो पहले जब टैक्स जो पहले लग रहा था उसमें इतना नेट इनकम था, पहले इनकम तो इतना था लेकिन नेट इनकम टैक्स कटने के बाद इतना हो गया, ठीक है। अब क्या है कि 6% की कमी और हो जाती है, जो नेट इनकम होता है उसमें 6% की कमी हो जाती है, कब, जब 19% टैक्स इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इसमें 6% की कमी मतलब यानी कि 96/100 करेंगे, 6% की कमी, सॉरी 94/100 करेंगे, 94/100, क्योंकि 6% की कमी हो जाती है नेट इनकम में, दिख रहा है, 6% की कमी हो जाती है कुल आय में, ठीक है, कुल आय में 6% की कमी हो जाती है। ये कब कंडीशन आती है, जब इनकम, ठीक है, इनकम तो आई था, उसमें क्या था कि 100 था जो ये आर था, ठीक है, आर को हम 19% बढ़ा दिए, ठीक है, जो आर था तो आर को हम 19% बढ़ा दिए, तो कितना हो जाएगा 119/100, आर को हम 19% से बढ़ाएंगे तो 119/100 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये कब हुआ, जब 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस आर को अब क्या लिखेंगे, 119 आर अपॉन 100, आर की जगह कितना हो गया था 119/100 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हुआ, ठीक है, अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा 94 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को इधर ले जाएंगे, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हालांकि बन जाएगा, इससे भी 24% आ जाएगा, ठीक है, इससे भी 24% आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको सीधे ये चीज़ें आप दिमाग में रख ही लीजिए कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें जो नेट इनकम होता है, ठीक है, जो नेट इनकम यानी कि घर में जो नेट इनकम आ रहा है उसमें जो कमी आ रही है उसको ऊपर लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, बस हो गई, परसेंटेज आए तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बेसिक ये है कैसे ये बन रहा है, ठीक है, ये मैंने समझाया, ठीक है। तो ये थी परसेंटेज के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, जिसको आप अगर ये ट्रिक नहीं जानते होंगे तो थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है या आप बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में फिर से कुछ नए ट्रिक के साथ मुलाकात।